पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस बार अमेरिका में रहने वाले भारतीयों द्वारा आस्था को राखियों के ऑर्डर दिए गए, जिस पर आस्था ने अमेरिका में भी राखियां भेजी हैं। आस्था चीनी राखियों के बहिष्कार की दिशा में आत्मनिर्भर होकर राखियां बनाकर देश विदेश में बेच रही हैं। आस्था मुंशी है, मैं बीसी सेकेंड ईयर से हूँ। मैं राखियाँ 3 साल से बना रही हूँ। मैं हैंडमेड राखियाँ बनाती हूँ। मैं राखियाँ अमेरिका, केरला, दिल्ली, मुंबई, यहाँ सारी मेरी राखियाँ डिलीवर्ड हुई हैं। मुझे राखियों का बहुत टाइम से शौक है। मैं खुद अपने हाथों से राखियाँ बनाती हूँ। 3 साल हो गया है मुझे राखियाँ बनाते बनाते। यूँ तो मेरी बहन आस्था मुंशी 3 साल से राखियाँ बना रही है और काफी अच्छा उसको हर तरफ से प्रतिसाद मिला, पर इस बार क्योंकि कोरोना काल है, सब घर में बंद है, तो ज्यादा उसको सब जगह से मिल रहा है कि सैनिटाइज राखियाँ अपने भाइयों तक हैंडमेड प्यार के साथ पहुंचती है। और विशेष हमारा ये है कि उसमें हम अपनी तरफ से कुमकुम, तिलक और शक्कर आदि भी रख के पूरा पोस्ट करके हम खुद स्पीड पोस्ट करते हैं उसको। तो आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है, आप सिर्फ डिजाइन व्हाट्सएप पे पसंद कर लीजिए और हम आपके भाई तक या जहां भी आप एड्रेस दे रहे हैं वहां पर हम पहुंचा देंगे। ये सुविधा हमने इस बार रखी थी और इसमें कई तरह की राखियां हैं। इसमें पर पीस के हिसाब से भी है, डजन के हिसाब से भी है, तो 30 रुपये से स्टार्ट होकर 120 रुपये डजन, 150 रुपये डजन भी हैं। उसमें कपल राखियां हैं और उसमें बच्चों के लिए किड्स की कार्टून वाली राखियां, ऐसी कई तरह की हमने इस बार वैरायटी घर में बनाई है। मेरी बेटी राखियां हाथों से बनाती है और सामान मार्केट से लेके आती है, उसकी हेल्प हम लोग भी करते हैं। राखियां बाहर ही गई है, जैसे केरल गई है, दिल्ली गई है, इंदौर, जबलपुर, अमेरिका। इसको 3 साल हो गए बनाते बनाते। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।